हाई वी वॉन्ट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी शुविटी टूडेज वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू गिव यू समी एडवाइस विच इज समथिंग आई कंसिडर की इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप सी जी पी का पेपर देने वाले हैं सो बेसिकली सी जी पी कम्पेरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स डी यू के स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं एज कैन सी आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज टुमोरो आई एम गोइंग टू लीव फॉर माई प्लेस एंड मैंने एज

फर्स्ट यूनिट जो आता है उसमें बेसिक यही है कि नेचर एंड स्कोप क्या होता है कंपेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है यूरोसेंटिजम क्या होता है ये चीज में से आप कोई भी एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस एक बेसिक सा सवाल आता है सी जी पी एम इज नॉट सीजीपी इट्स कंपेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स ये सी जी पी सो सी जी पी में क्या इंपॉर्टेंट होता है नेचर एंड स्कोप क्या होता है एक इसका क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन दैट यू कैन गो फॉर की यूरोम क्या होता है वो अगर आप अपना फोर्थ यूनिट चेक करोगे तो फोर्थ यूनिट में अगर आप देखेंगे आपको मिलेगा कि उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज का कंपेरिजन दिया हुआ है ब्राजील चाइना नाइजीरिया एंड ब्रिटेन ये चार कंट्रीज हैं इन माई सजेशन यू शुड जस्ट गो फॉर ब्रिटेन का वाइट ब्रिटेन so, का काफी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया से सिमिलर ही है यानी कि हमने वहां से इनहेरिट किया है बाउट दैट वन तो आप वो कर सकते हैं बिसाइड दिस चाइना का काफी नया होगा आई जस्ट सजेस्ट टू गो फॉर दी ब्राजील अदरवाइज नाइजीरिया क्योंकि जब आप लास्ट टाइम भी प्रिपरेशन करते हैं ऑल्सो अगर आप इन बिटवीन द इत है सजेशन और आपका जो प्रिपरेशन है ना दैट शुड भी ऑन द बेसिस ऑफ सब कुछ कवर करना इज एंड एसेंशियल पढ़ना जरूरी होता है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ चीजों को लाइटली प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ को जो है फाइनलाइज कर सकते हैं तो मेरे सजेशन में तो है आप ब्राजील नाइजीरिया में से कोई कर लीजिए एंड ब्रिटेन तो डेफिनेटली करना ही करना बिकॉज इससे सवाल काफी बार आते हैं नाउ लेट्स गो फॉर अनदर यूनिट क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसे ऑर्डर नहीं फॉलो कर रही हूँ आपका सेकेंड यूनिट जो आता है उसमें आता है कि um, यूरोसेंट्रिज्म के अलावा यूरोसेंट्रिज्म कौन सी कंडीशन होती है एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है वो आपको यहाँ पे करना होगा गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म तो यूरोसेंट्रिज्म किस चीज को बोलते हैं हाउ इट इज जस्ट सजेस्टेड एंड थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव क्या है और कंटेम्प्रेरी साउथ वर्ल्ड क्या है वो आपको देखना है ठीक है तो ये आपका आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे याद है ये सेकेंड यूनिट है तो आप सिर्फ इतना कीजिएगा यूरोसेंट्रिज्म से अक्सर सवाल आते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये टॉपिक करके ही जाओ बाकी आप कुछ भी स्किप करो लेट्स गो फॉर अनदर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन थर्ड यूनिट से जो आ सकता है वो है थर्ड यूनिट में आपका एक तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म एंड तीसरा ग्लोबलाइजेशन का लिंक बताया गया है सोशलिज्म कैपिटलाइजेशन uh, में से जो भी टॉपिक वेल प्रपेयर हो वो एंड अगर कैपिटलाइजेशन वाला टॉपिक कर रहे हो तो उसमें एट द एंड कैपिटलाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट किया हुआ है बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क तो आपको बताना है कि वो क्या है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का पर्सपेक्टिव में और कंटेम्प्री साउथ साउथ हां कंटेम्पररी साउथ करके एक टॉपिक है वो उसमें मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना जब कोल्ड वॉर हुआ था उस दौरान जो कंट्रीज uh, नाम के साथ थी तो व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच दे ऑप्टेट फॉर इन ऑर्डर टू टैकल द सिचुएशन ऑफ दिस कैपिटलिज्म एंड इन ऑर्डर टू रेसिस्ट दिस थिंग तो आप इसके लिए जो है ये सब कर सकते हैं एट दी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं मेरे अकॉर्डिंग देन गो फॉर इट सिंपल सा आंसर स्ट्रक्चर फॉलो कीजिएगा इंट्रोडक्शन वॉट इफ की आपको कुछ नहीं आता है आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में क्या लिखेंगे देखो यार इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन चाहे जैसा हो मान लीजिए कि वो पूछ रहे हैं कि वॉट इज कैपिटलिज्म लिंक उन्होंने सोशलिज्म कर दिया अदरवाइज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के यहाँ यूरोसेंटिज्म बता रहे हैं अगर यूरोसेंटिज्म बता रहे हैं देन स्टार्ट विद कंपेटिव पॉलिटिक्स क्या है ठीक है आई नो दैट दिस माई फील बीअर्ट की पूछा ही नहीं है तो कैसे इफ एनी हाउ यू आर जस्ट सीइंग द स्कोप दैट दैट पर्टिकुलर टॉपिक कुड भी रिलेटेबल टू द वन जो आप करने वाले हो उसमें इंट्रोडक्शन में डाल दो इंट्रोडक्शन एटलीस्ट चार से पांच लाइन का देखो और इंट्रोडक्शन के बाद आती है मेन बॉडी आंसर की ठीक है नॉट ह्यूमन बॉडी तो जो आपकी मेन बॉडी आती है आंसर राइटिंग की उसमें जो है अपने इंट्रोडक्शन के बाद आप मेन आंसर में जो की हेडिंग्स लिखने वाले हो ना उनको हाईलाइट करो मान लीजिए कि आप ब्रिटेन के सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं तो इन दैट यू हैव टू जस्ट नोट डाउन की uh, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है जुडिशियरी कैसे काम करती है लेजिस्लेटिव कैसे काम करती है एंड सम काइंड ऑफ अदर चेंजेस दैट यू कैन नोट डाउन इकोनॉमी आप लिख सकते हैं वाई ब्रिटेन इज नॉट टॉपिंग एज ऑफ अमेरिका मतलब सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ दैट वॉट द थिंग्स दैट यू नीड टू हाईलाइट इन योर आंसर एंड मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ इतना काम करेगा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक यूनिट से दो दो तीन दिन क्वेश्चन डाल दूंगी अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यार आपको करनी होगी मैंने जो सजेशन दे दिया वो तो फॉलो ही करना और अगर आपको आंसर लिटरली नहीं आता है मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या कर रही है मैम ऐसे थोड़ी ना चलता है बट यू नो फाइंड आउट करते हैं उनको ये समझ आता है स्ट्रक्चर कैसे करना है फ्लो चार्ट नाम का सुना होगा दैट रियली वर्क वेल मतलब आप उतनी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना जो भी आप आंसर में लिखने वाले हो सो दैट इट फीज लाइक कि यू आर राइटिंग अलॉट दैट विल ऑल्सो कवर योर नंबर ऑफ पेजेस बिक इज नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट इम्पैक्ट दूसरी बात आपने किस तरीके से इलाबरेटेड अपना आंसर लिखा है वो नहीं तो आपकी हैंड राइटिंग एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स बियॉन्ड द आंसर एज वेल तो बाय चांस अगर आंसर में आपको थोड़ी बहुत कमी लगती है लगता है नहीं मेरा उतना नहीं हो पाएगा जितना आपको आता है एग्जैक्ट आता है वो लिखना इनके साथ साथ ये सारी चीजें कर देना एंड दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन जो मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा आप उनको एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा विस लाइक दिस शेयर दिस वीडियो आई एम शिफ्टिंग तो मैं आपको आई आर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैंने वीडियो बना लिया है तो आपको वो भी आपके एग्जाम्स के पहले मिल जाएंगे दैट्स इट मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में